अगर हल्दी की गांठ अपने पर्स में रखते हैं सदैव धन आपके पास आता रहेगा, और जब तक यह गांठ रहेगा तब तक धन आता ही रहेगा। इतना चमत्कारी उपाय हम आपको बता रहे हैं। आपको मालूम है कि हल्दी को हरिदा कहते हैं और लक्ष्मी का एक नाम ही हरिदा, और इस गांठ को रखने से राहु केतु दोष भाग जाते हैं और भूत प्रेत नहीं आते हैं। अटका हुआ धन मिलता है, धन का कभी अभाव नहीं पड़ता है। हल्दी की गांठ अगर अपने पर्स में आप रखते हैं तब, क्योंकि इसे पर्स में रखने से आपका बृहस्पति जो दोष है वह दूर होगा। पर्स में अपने पास रखने से अटका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। जो पैसा आपसे ले लिया है और आपको नहीं दे रहा है तो आपको पैसा वह लाके देगा। यह रामबाण चमत्कारी उपाय है। आपको ऐसा हल्दी का गांठ अपने पर्स में रखिए और देखिए इसमें कितना बड़ा चमत्कार है। लक्ष्मी स्वयं ये लक्ष्मी है, और जब स्वयं लक्ष्मी है तो विष्णु भगवान भी आपके साथ विराजमान हो जाएंगे उस हल्दी की गांठ पर। हल्दी की गांठ को पर्स में रखने से आपके पर्स में कभी खाली नहीं रहेगा, कभी था या कभी नहीं होगी, यानी धन का अभाव कभी नहीं होगा। हल्दी की गांठ को पर्स में रखने से आपके राहु केतु दोष भागते नजर आएंगे, और हल्दी को हम हरिदा कहते हैं। माता लक्ष्मी का एक नाम हरिदा है। इसे पर्स में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और अचानक धन प्राप्त होगा। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के पास एक हल्दी की गांठ को विधिवत पूजा पाठ करके आप अपने पर्स में रखिए और इसका चमत्कार देखिए। ऐसा चमत्कार है कि आपके जीवन पर जब तक यह गांठ आपके पर्स में रहेगा कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। जहाँ भी जाओगे आपको धन ही धन मिलेगा, क्योंकि इसके रखने से आपका गुरु दोष भागेगा, इसको रखने से राहु केतु भी भागते नजर आएगा, क्योंकि इसमें वो शक्ति माँ लक्ष्मी की है कि धन की तरह चुम्बक की तरह अगर पर्स में रखोगे तो यह खींचते नजर आएगा। और आपके जीवन पर अगर गरीबी छाई हुई है तो यह हल्दी की गांठ आपको अमीर बना देगा, आपको महान बना देगा, बहुत बड़ा व्यापारी बना देगा। अगर आप किसी नौकरी में कर रहे हो, इस गांठ को रखने से कई प्रमोशन में आपको विजय प्राप्त करा देगा, और आपके पर्स में हमेशा करेंसी नोट ही रहेंगे। आप ये मान के चलिए, यह हल्दी का रामबाण उपाय हम आपको बता रहे हैं। इसे करिए और देखिए चमत्कार कि आपके पास जो पर्स खाली रहता है, जो व्यक्ति आपसे धन ले लिया है वह धन आपको नहीं दे रहा है, केवल इस गांठ को अपने पर्स में रख लीजिए, वह व्यक्ति तीसरे चौथे दिन दौड़ते ही आएगा और आपका बकाया धन आपको वापस कर देगा। इतना रामबाण उपाय हम आपको बता रहे हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है इसे लाइक करिए, शेयर करिए और नीचे लाल बटन को जरूर दबाइए। आपको मालूम होगा कि कमलगट्टे को शुभ क्यों माना जाता है, उसका उपाय क्या है। आपको मालूम है भगवान विष्णु लक्ष्मी क्षीर सागर पर शेष सैया पर विराजमान होते हैं, और यह कमलगट्टा जो होता है यह उसी जल से के बीज, उसी जल से कमलगट्टे के कमल पुष्पों के बीज से इसकी उत्पत्ति होती है। जो कमल का फूल है
वह भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। जब विष्णु को बहुत प्रिय है तो लक्ष्मी माता तो जल में रहती है तो गदगद हो जाती है। इस कमलगट्टे की माला को लोग सब्जी भी बनाते हैं, अर्थात इस माला को अगर आप धारण करते हैं तो आप शत्रु से विजय प्राप्त कर लेंगे, शत्रु आपका भागते नजर आएगा। आपको बताएं कमलगट्टे में ज्योतिष में कई तरह के प्रयोग बताए गए हैं, आओ हम आपको बताते हैं किस तरह यह लोग धनवान बन सकते हैं इस कमलगट्टे के फल पर। कमलगट्टे की माता लक्ष्मी के साथ पूजा करके अगर शुक्रवार के दिन उसे घर की तिजोरी में या पर्स में रखते हैं तो आपके पास धन की आवक इतनी जोरदार बन जाएगी कि धन समृद्धि के सभी द्वार आपके खुल जाएंगे। मगर आप शुक्रवार के दिन अगर विवाह हो गया हो तो पति पत्नी के साथ पीला कपड़ा पहनकर आपको विधिवत पूजा पाठ करके माता लक्ष्मी के चरणों में कमलगट्टे की फल को अर्पित करें और पूजा करके सिद्ध कर ले, इससे तिजोरी में रख दो, आपकी तिजोरी में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, धन सदैव भरा रहेगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करना चाहते हैं तो कमलगट्टे की माला को शुभ मानी गई है। अगर इस माला को आप लाते हैं और इसको अगर जाप धारण करते हैं तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। माला पहनकर जहाँ भी जाओगे, किसी क्षेत्र में जाओगे तो सबसे पहले आपको धन का ही दर्शन होगा। इसके अलावा भुने हुए कमल के बीज या मखाने को खीर बनाकर, अगर आप भुने हुए कमल की बीज और मखाने की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को अगर आप 3 शुक्रवार को भोग लगाते हैं तो माता लक्ष्मी आपकी तिजोरी में धन दौलत सोना चांदी से समर्थवान बना देगी। और इसी हल्दी और नील कमल की माला को प्रयोग करना चाहिए। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, आप की जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो कमलगट्टे की माला को धारण करिए और कमलगट्टे की बीज को अपने पर्स में या तिजोरी में रखिए। ऐसा धन आएगा कि विष्णु भगवान की कृपा हो जाएगी, माँ लक्ष्मी आपके यहाँ साक्षात विराजमान होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है इसे लाइक करिए, शेयर करिए और नीचे लाल बटन को जरूर